जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गीता प्रेस गोरखपुर फरीदाबाद में। तो दोस्तों, आज जिस पुस्तक के बारे में बात करेंगे वह है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जो गीता प्रेस की एक स्पेशल एडिशन आई है चित्र में, श्री रामचरितमानस हिंदू अनुवाद सहित, जिसका कोड है 2295। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, प्राइस, पेपर क्वालिटी कैसी है और वेट कितना है, इसके बारे में सारी चीज़ें देंगे, अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके की है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम वीडियोस डालते रहेंगे गीता प्रेस की सभी पुस्तकों के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, समय समय पर हम पुस्तकों के बारे में वीडियो डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो का। तो दोस्तों, ये जो है आप पुस्तक देख सकते हैं, यहाँ पर श्री रामचरितमानस लिखा गया है। इसका अप्रॉक्स वेट जो है 3.5 किलो के आसपास है। ये काफ़ी हैवी है, इसकी क्वालिटी और मोटाई आप देख सकते हैं, काफ़ी मोटी भी है। और इसका नॉर्मल जो रामचरितमानस आती है कोड नंबर 81 जो घरों में पड़ी जाती है उसी का है साइज है। तो दोस्तों, ये अभी बॉक्स के अंदर है, इसको हम निकालते हैं इस तरीके से। देखिए, मैं इसमें से निकाल के दिखाता हूँ, ये इस तरीके से निकलेगी। तो ये दोस्तों, ये निकल चुकी है, ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर से निकल चुकी है। तो बॉक्स को साइड रखते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पहले हार्ड कवर में ही है और इस पर एक ये पतला सा कवर चढ़ाया हुआ होता है। इसको दिखा देते हैं, इसको प्रीमियम लुक देने के लिए अगर आप इसको इस तरीके से खोल के देखेंगे तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। और ये अंदर से भी हार्ड कवर में, इस पर पेपर कवर गत्ते का चढ़ा हुआ, उसके ऊपर एक ये कवर और चढ़ाया हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, पहले ही पृष्ठ पे जैसे ही आप पुस्तक को खोलेंगे, जन्मभूमि जो राम मंदिर की बनाया जा रहा है ये वहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों, एक और बात बता दूं, इस पुस्तक का जो जब ये पुस्तक लॉन्च हुई थी तो उस समय हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका वो किया था, लॉन्च किया था इस पुस्तक को। अब यहाँ पर ये देखिए, उत्तरकांड की चौपाई एक दे रखी है यहाँ पर। अब आप यहाँ खोलेंगे, यहाँ पर एक चौपाई दे रखी है बालकांड से, यहाँ से शुरू हो जाता है चित्र में श्री रामचरितमानस हिंदू अनुवाद सहित। यहाँ एक दो चौपाई दी हुई है, देखिए आप इसकी पेपर क्वालिटी ऐसे देख पा रहे होंगे, एकदम इसकी क्वालिटी देखिए, ये एकदम लैमिनेटेड टाइप की है, इसको आर्ट पेपर कहते हैं। ये आर्ट पेपर पर पूरा हो किया गया, ये पूरा इंडेक्स है, विषय सूची किस पेज पर क्या क्या है। जैसे शुरू में बाल कांड से शुरू होता है, अब इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, सबसे अंत में आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, इस तरीके से ये सारा दिया हुआ है। पारायण विधि सारी चीज दी हुई है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक फोटो दी हुई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ राम दरबार की फोटो दी हुई है। यहाँ से प्रथम सोपान बालकांड यहाँ से शुरू हो जाता है श्लोक के साथ, ये शुरू में संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है और आगे ये अवधि भाषा में चालू हो जाएगा। और इसको पूरा बोल्ड में दिया हुआ है, ये पूरा बोल्ड में है, ये देख सकते हैं, कलरफुल भी है। अगर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर में, रेड कलर में, और इसका अर्थ जो है वो ब्लैक कलर में दिया हुआ है, जिससे कि विजिबिलिटी और इसका सुंदरता इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, प्रयागराज की एक फ़ोटो भी दी हुई है। इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर करीब 300 से अधिक फोटोज़ हैं
नारद जी की फोटो दी हुई है, ये देखिए इस तरीके से करीब 300 से अधिक फोटो हैं जो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी में दी हुई है, और जगह जगह पर आपको फोटोज़ मिल जाएंगी पूरी पुस्तक के अंदर। और जो दूसरी वाली पुस्तक आती है उस पुस्तक में क्या है कि बीच बीच में कहीं कहीं पे 5-6 फोटोज़ दी हुई हैं, मगर इसमें आपको करीब करीब एक पृष्ठ छोड़ते के साथ ही, एक या दो पृष्ठ छोड़ते के साथ ही आपको इस तरीके से फ़ोटो मिल जाती है, पिक्चर मिल जाती है, जिससे कि अट्रैक्शन भी बढ़ता है। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो थोड़ा वो ब्लैक एंड वाइट पढ़ने से भी थोड़ा सा कतराती है, तो ये थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगता है। कलरफुल होना मतलब माइंड को एक थोड़ा सा अच्छा सा फील कराता है कि कलरफुल है, ये सारी चीज़ें हैं तो ये फील करवाता है। और पिक्चर होने से थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ती है कि आगे कैसी पिक्चर होगी, क्या होगी, तो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है। ये देख सकते हैं, और इसकी पेपर क्वालिटी दोस्तों मैं बता दूं, इसकी पेपर क्वालिटी जो ये है, थिकनेस है, और ये जो आर्ट पेपर है, ये पेपर मेरे हिसाब से 100 साल भी अगर पुस्तक को रख दिया जाए तो इस पेपर को कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले पुस्तकें देखी हुई हैं किसी के पास, 20-25 साल पुरानी जो पुस्तकें हैं वो ना पीली पीली पड़ जाती है, अपने आप फटने लगती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। और पेपर इतना हैवी होने की वजह से ही इसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं लास्ट में शिव जी की मूर्ति दी हुई है, और इधर श्री राम रघुवंश नाथम श्री राम जी की मूर्ति फोटो दी हुई है, ये रामशिला का प्रश्नावली, ये आप ये देख सकते हैं पूरा, ये शिव जी की महादेव की फोटो, ये देखिए जहाँ जहाँ पर है आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। और इस पुस्तक का जो मूल्य है वह 1600 रुपये है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, और इसका मूल्य भी बहुत ही अच्छा है। सेम क्वालिटी में और भी एक प्रकाशन में आती हैं पुस्तकें, उन्होंने थोड़ी क्वालिटी ऐसी दी है, मगर ये बहुत अच्छी है। वो लोग 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार की बेचते हैं, तो ये गीता प्रेस की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अभी देखिए ये तृतीय मुद्रण की, ये जो मैंने मंगा रखी है जो मेरे पास शॉप में है वो तृतीय मुद्रण की है। कुल मुद्रण यहाँ लिखा है 9500 पीस ही छपे हैं, और तृतीय मुद्रण में 4000 पीस छापे गए, केवल केवल 4000 पीस ही छापे गए हैं। आप देख सकते हैं 1600, डाक कूरियर से मंगाने के लिए इस एड्रेस पे संपर्क करें या वेबसाइट पे विजिट करें। और दोस्तों जिसको मुझसे चाहिए वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे ही देता हूँ, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। दोस्तों क्वालिटी और वेट बहुत ही हैवी है, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए श्री रामचरितमानस चित्र में, और ये देखिए ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 2295 दोस्तों इसका कोड है। और दोस्तों मेरे हिसाब से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी और मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ये जानकारी पहुँचे, गीता प्रेस की पुस्तकों के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध हो सके, और साथ ही हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सके। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।